हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार स्थितियों की तुलना, कंपेरेटिव स्टडी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको उच्च अध्ययन में भी उपयोगी सिद्ध होगा। हमने प्रतियोगिता के आधार पर देखा था कि हमने बाजार को कितने भागों में बांटा था, एक तो पूर्ण प्रतियोगिता में, दूसरा अपूर्ण प्रतियोगिता में, और तीसरा एकाधिकार में। अपूर्ण प्रतियोगिता को भी तीन प्रकारों में देखा था हमने, एकाधिकारी प्रतियोगिता, द्वैधिकार और अल्पाधिकार। अब इनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमने कुछ आधार बनाए हैं, उन आधारों पर इनको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। सबसे पहली बात करते हैं हम विक्रेताओं या उत्पादकों की संख्या, जो हमारा तुलना का बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। जो हमारा पहला बाजार है पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें हमने बताया था इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरी बात करते हैं हम अपूर्ण प्रतियोगिता की। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो पहला प्रकार है एकाधिकारी प्रतियोगिता, इसमें विक्रेता कितने होंगे, पूर्ण प्रतियोगिता से कम होंगे, लेकिन संख्या उनकी अधिक या पर्याप्त होती है। द्वैधिकार, जिसमें किसी वस्तु के केवल दो ही विक्रेता पाए जाते हैं। और अल्पाधिकार, इसमें संख्या थोड़ी होती है। थोड़ी का मतलब है कि दो से ज्यादा होगी, अर्थात विक्रेताओं की संख्या 6-7-8 तक हो सकती है। और एकाधिकार, जैसा कि नाम ही बता रहा है, मोनोपोली, जिसमें वस्तु का विक्रेता केवल एक ही होता है। दूसरे आधार पर बात करते हैं हम क्रेताओं की संख्या कितनी कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं कि बाजार का कोई भी प्रकार हो, क्रेताओं की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्रेता कितने भी हो सकते हैं, अर्थात बाजार की प्रत्येक स्थिति में क्रेताओं की संख्या अनेक हो सकती है। तीसरी जो आधार लिया है हमने, वो है वस्तु की प्रकृति, अर्थात इस बाजार में या इन बाजारों में जो वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है उनकी प्रकृति कैसी है। तो पहले जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात करेंगे तो इसमें वस्तुएं समरूप या समान होती हैं, जो कि एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। ये वस्तु विभेद किस आधार पर होगा, उनके रंग रूप, पैकिंग, ब्रांड नाम आदि के आधार पर होगा, और ये वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती हैं, लगभग स्थापन्न भी इसको हम कह सकते हैं। द्वैधिकार में जो वस्तुएं हैं वो समरूप भी हो सकती हैं और विभेदित भी हो सकती हैं, और सामान्यतया इसमें अपूर्ण स्थानापन्नता की स्थिति देखी जाती है। अल्पाधिकार में भी वस्तुएं समरूप भी हो सकती हैं और विभेदित भी हो सकती हैं, और इसमें अपूर्ण स्थानापन्नता की स्थिति देखी जाएगी। एकाधिकार में पूर्णतया अलग अलग वस्तुएं होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती, अर्थात इस बाजार में कोई दूसरा विक्रेता स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं करा सकता, क्योंकि इसमें वस्तु का विक्रेता केवल एक ही होता है। अगला आधार हमने लिया है मूल्य और लाभ की स्थिति का। जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है उसमें जो वस्तु का मूल्य है वो लागत के बराबर होने की प्रवृत्ति देखी जाती है, अर्थात ऐसे बाजार में वस्तु की कीमत पी, उसका मान औसत आगम AR, सीमांत आगम MR, औसत लागत AC और सीमांत लागत MC, इन सभी के मान बराबर होते हैं। जब इन सभी के मान बराबर हैं तो फर्म को दीर्घकाल में केवल और केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता की, तो उसमें अल्पकाल में जो मूल्य होगा वो लागत से अधिक होता है, लेकिन दीर्घकाल में दोनों के मान बराबर होते हैं, जिससे फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। द्वैधिकार में मूल्य लागत से अधिक पाए जाते हैं, इसलिए फर्मों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है। यही स्थिति अल्पाधिकार में भी होती है, मूल्य लागत से अधिक होते हैं, इसलिए फर्मों को अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति देखी जाती है। एकाधिकारी बाजार में भी वस्तु की कीमत लागत से अधिक होती है, इसलिए फर्मों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अतिरिक्त लाभ की स्थिति फर्म को कब होती है, जब AR ग्रेटर देन AC होता है, और सामान्य लाभ कब प्राप्त होता है, जब AR इज इक्वल टू AC होता है, और हानि कब होती है, जब फर्म के लिए AR लेस देन AC होता है।
पांचवी बात करते हैं हम फर्मों के मांग वक्र की स्थिति पर। जो हमारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है उसमें फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, और पूर्णतया लोचदार होने के साथ साथ AR और MR दोनों ही एक आड़ी पड़ी हुई रेखा अर्थात एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा के रूप में होते हैं और दोनों एक ही रेखा के द्वारा दर्शाए जाते हैं। जो हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार होता है वो फर्म का जो मांग वक्र है अपेक्षाकृत कम लोचदार होता है, AR और MR दोनों गिरती हुई होती हैं, लेकिन MR लेस देन AR अतः MR तेजी से गिरता है। द्वैधिकार में जो फर्म के मांग वक्र हैं कम लोचदार होते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हुए होते हैं, और इसमें AR इज लेस देन MR की स्थिति पाई जाती है। अल्पाधिकार में जो हमारे मांग वक्र है वो कम लोचदार होता है, गिरता हुआ मांग वक्र होता है, तथा AR लेस देन MR की स्थिति पाई जाती है, और दोनों में विकुंचन किंकर की स्थिति पाई जाती है। और ये विकुंचन की जो अवधारणा है वो पॉल एम स्वीजी के द्वारा दी गई थी। ऐसे बाजार में कीमत परिदृढ़ता की स्थिति भी पाई जाती है। एकाधिकारी बाजार में कम लोचदार मांग वक्र होते हैं, AR MR दोनों गिरती हुई रेखाएं होती हैं, इसमें MR इज लेस देन AR की स्थिति होती है, अतः AR की अपेक्षा MR तीव्र गति से गिरती है। यहीं पर थोड़ा सा संशोधन आप कर लें। जो हमने एकाधिकारी प्रतियोगिता में अभी बताया था मैंने कि फर्म का मांग वक्र अपेक्षाकृत कम लोचदार, इसकी जगह आप लिख लें फर्म का मांग वक्र अपेक्षाकृत अधिक लोचदार, अधिक लोचदार कर लें यहां पर, क्योंकि कम लोचदार की स्थिति एकाधिकार की बजाय एकाधिकारी प्रतियोगिता की बजाय एकाधिकारी बाजार में पाई जाती है। छठी जो विशेषता है प्रवेश और बहिर्गमन की, प्रवेश और बहिर्गमन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन पूर्णतया स्वतंत्र और सर्वाधिक सुगम होता है। अर्थात कोई भी फर्म कभी भी बाजार में प्रवेश कर सकती है और कोई भी फर्म कभी भी बाजार से बाहर जा सकती है। इसी प्रकार की स्थिति एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में भी पाई जाती है, जहां पर फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन सुगम और सुविधाजनक होता है। द्वैधिकार जब बाजार की बात करते हैं तो उसमें प्रवेश और बहिर्गमन बहुत कठिन होता है। सामान्य रूप से प्रवेश और बहिर्गमन की कोई स्वतंत्रता इसमें प्राप्त नहीं होती। ठीक इसी प्रकार की स्थिति अल्पाधिकार बाजार में भी पाई जाती है। इसमें फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन बहुत कठिन होता है, अनेक बाधाएं बनी रहती हैं, और सामान्यतया जो फर्में इस उद्योग में कार्य कर रही होती हैं वो दूसरी फर्मों को रोकने का प्रयास करती हैं। एकाधिकारी बाजार में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन पूर्णतया बंद होता है, अर्थात कोई भी नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती। बहिर्गमन अनावश्यक होता है। अनावश्यक का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि चूंकि एक ही फर्म काम कर रही है और वही फर्म यदि बाहर हो गई तो बाजार ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए उसको हम अनावश्यक मानते हैं। ऐसे बाजार में कोई भी नई फर्म बाजार में किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं कर सकती। बात करते हैं सातवीं, मूल्य पर प्रभाव। ऐसे बाजार में कोई भी फर्म, व्यक्तिगत जो फर्म है, बाजार मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की जो बाजार में उसकी जो पूर्ति है वो तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी मात्रा के रूप में होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी जो व्यक्तिगत फर्म है वो कीमत को बहुत कम प्रभावित करने की स्थिति में होती है, क्योंकि वहां पर भी फर्मों की संख्या काफी पाई जाती है। द्वैधिकार में चूंकि फर्मों की संख्या बहुत कम है, दो ही फर्म है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो वस्तु की कीमत को बहुत अधिक प्रभावित करने की स्थिति में होती है। जब अल्पाधिकार की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, चूंकि फर्मों की पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, इसलिए कीमतों पर बहुत कम प्रभाव दिखाई देता है, सीमित नियंत्रण होता है। और जैसा कि हमने पहले देखा कि ऐसे बाजार में सामान्य रूप से कीमत परिदृढ़ता या प्राइस रिजिडिटी की स्थिति देखने को मिलती है। एकाधिकार बाजार में चूंकि एक ही विक्रेता है, उसका मूल्यों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वही पूर्ति करता है, अर्थात पूर्ति पर उसका एकाधिकार है, इसलिए उसका कीमतों पर पूरा नियंत्रण होता है। और आपने पहले भी देखा कि ऐसे बाजार में
वही एक विक्रेता होने के कारण अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग वस्तु की कीमत वसूल करने की स्थिति में पाया जाता है। इस प्रकार से हम प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों की विभिन्न स्थितियों को आसानी और सरलता से समझा सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।